इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णा मूर्ति और राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली के नोएडा बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सभी किसानों के साथ क्रिसमस डे का केक काटकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबाती कृष्णा मूर्ति ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बिलों के विरोध में है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान व देश के सभी किसान दलित शोषित मजदूर वर्ग के साथ है। हमने किसानों के साथ केक काटकर अपना समर्थन किसानों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है जो पूरे देश में मजदूर किसान भाइयों का शोषण कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को 2,000 रुपए का लॉलीपॉप देकर उन्हें ठगने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसान भाई उनके इस बहकावे में आने वाली नहीं है। और क्या कुछ कहा अंबाती कृष्णा मूर्ति ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के रहने वाला है, हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। हम 14 साल से भानु जी के साथ है, मैं इंटक का भी अध्यक्ष हूँ। आज किसान का जो आंदोलन को आंध्र का जितना भी फार्मर से तेलंगाना का है, उड़ीसा का है और कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, पूरा सदरन स्टेट्स में भी आई एक भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम पे सभी लोग आने को रेडी है। भानु जी का नाम हर किसान जानता है सदरन में, ये बात मान लिया। NBC News के लिए दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।